वीडियो और एग्जाम की परीक्षा 26-27 जून की प्रस्तावित है। 40 दिन लगभग आपके बच्चे आपकी परीक्षा की तैयारी कर लेंगे। आपको भी ये परेशानी इस बात के लिए होकर होगी, सर अभी कितना पढ़ना है, क्या तैयारी करें, कैसे हम अपने आप को सफलता की तरफ लेकर चले। ऐसे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में भी आ रहे होंगे कि हम 40 दिन में अपनी तैयारी कैसे करें इस वीडियो एग्जाम की, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपने कभी गैप किया होगा। कुछ लोग का जो तैयारी थी वो छूट गई थी, लेकिन कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो अभी तक तैयारी कर रहे हैं और उनका सपना कैसे पूरा होगा। 40 दिन की रणनीति क्या होगी, क्या आपने अपने जिस दौरान आपने तैयारी की थी क्या उस समय आपने नोट्स बना कर रखे थे कि नहीं, अगर नोट्स बनाए थे उसमें क्या क्या कमियां रह गई थी, क्यों नोट्स पढ़ना जरूरी है 40 दिन में, हमें कैसे क्या क्या चीजें पढ़नी है, एक एक करके क्रमवार रूप से इस वीडियो में बात करेंगे। आप सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट अपने मित्रों साथियों को शेयर करिएगा और हम इस वीडियो के अंत तक आपको सभी टॉपिक सभी तथ्यों पर एक एक करके क्रमवार रूप से बात करेंगे, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारे का जो आपका सपना है इस सपने को साकार कराना है और सपने के लिए हम आपके हर एक पहलू हर एक बिंदु पर एक एक करके बात करेंगे। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी इस सेशन में बने रहेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफी अहम और काफी इंपॉर्टेंट भी है। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ चीजें आपके सामने आती हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी के अगर हम सिलेबस की बात करें, इसकी परीक्षा की बात करें, इनमें कौन कौन से विषय आपको पढ़ने महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको बांटें तो तीन महत्वपूर्ण टॉपिकों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर तीनों टॉपिकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला जो होगा आपके लिए, पहला तर्क शक्ति। तर्क शक्ति, तर्क शक्ति के लिए ये आपको 50 प्रश्न है और 50 प्रश्न की तैयारी करने के लिए सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना होगा। प्रैक्टिस के लिए मार्केट में बहुत सारे किताबें मिल जाएंगी, या कोशिश करेगा यूपी ट्रिपल एससी की जो प्रीवियस पेपर हुआ है रीजनिंग का, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, क्योंकि वहां से आपके परीक्षा में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं और वहां से बहुत सारी तैयारी भी आपकी बेहतर तरीके से हो सकती है। इसके लिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर स्कोर होगा, क्योंकि जो तर्क शक्ति होगा ये आपका टाइम तोड़ेगा, और टाइम तोड़ेगा तो इसको किसी किताब खरीदने की जरूरत नहीं, किसी नोट्स की जरूरत नहीं है। इसे जितना ज्यादा, मैं फिर से बताऊंगा, इसको जितना ज्यादा आप अपने मन में अपने धारणा ये बनाकर बैठेंगे कि सर हमें इस टॉपिक को रिवीजन करना है, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के लिए बाजार में बहुत सारी किताबें होंगी। वैसे अगर आप हाल फिलहाल में खरीदना चाहते हैं तो मेरा आपसे एक छोटा सा राय होगा कि आप हाल फिलहाल में अरिहंत प्रकाशन की आती है, जी हाँ, अगर मैं बात करूं तो अरिहंत प्रकाशन की आती है, आप उसे खरीद सकते हैं। अरिहंत प्रकाशन की आर के झा की पुस्तक है, किताब है, एक अच्छी किताब है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी अहम और काफी इंपॉर्टेंट है। वो कम से कम 40 दिन बचा है, किताबें पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इसलिए वह आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि उसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह के कॉन्सेप्ट दिए गए। प्रैक्टिस पर फोकस करिएगा, मैं बार बार आपसे कहना चाहूंगा। दूसरा, हिंदी। हिंदी से भी 50 प्रश्न आएंगे। इस 50 प्रश्न की तैयारी करने के लिए आप चाहें तो लेनी भी दुर्गेश के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप कोशिश करिएगा, इसकी आदित्यनाथ की किताब आती, आदित्यनाथ की पुस्तक आती, काफी अच्छी किताब है, और लूसन की प्रीवियस पेपर, लूसन की हिंदी आती है, उसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। और आप अतिरिक्त समय बचे तो यूपी ट्रिपल एससी की यूथ कॉम्पिटिशन की किताब आती है, एक अच्छी किताब है, बढ़िया किताब है, आप उसे अपनी तैयारी को बेहतर और बड़ा कर सकते हैं। इसलिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो आज तक अगर अभी नहीं लियो ये दोनों किताबें लेकर पहला काम प्रैक्टिस पर फोकस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अब आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, 40 दिन में प्रैक्टिस करिए। जब प्रैक्टिस के दौरान आपको बहुत बार लगेगा कि कुछ प्रश्न आपको नहीं आ रहे, कुछ जगह पर कठिनाई होगी, जहां वो कठिनाई हो जो आपको नहीं है उसी पर आप फोकस करिए, उसी पर अपना टाइम दीजिए, उसको अपना बेहतर और बेस्ट करने का प्रयास करिए। दूसरी बड़ी बात है जीएस का, जीएस जीके। तो जीएस जीके देखिए कितना भी पढ़ लीजिए हमेशा एक कम बना रहता, यहां से भी 50 प्रश्न आएंगे, और ये अपने आप में कितना भी डूब जाइए ये जीएस पूरा सागर है, और इसके सागर में डूबते जाइए और आपको इसका किनारा नहीं मिलेगा। हो सकता है जो पढ़ के जाए उसके प्रश्न बाहर से आ जाए, तो इसके लिए भी आप इसकी कि कितना कठिनाई का कितना स्तर हो सकता है इसके, उसके लिए सबसे पहला अगर मैं बताऊं, अगर फोकस करना चाहें तो सबसे पहले काम आप इसके यूपी ट्रिपल एससी के जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं सब खंगाल डालिए, आपके पास समय कम है उसको खंगाले, मतलब सॉल्व करिए। सॉल्व करिए जैसे युद्ध की अच्छी है, घटनाचक्र की अच्छी किताबें हैं, और इसके अलावा बहुत सारी मार्केट किताबें हैं, तो जिनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सबसे बड़ा आपका जो फायदा मिलना ये मिल जाएगा कि आपको नए प्रश्न मिल जाएंगे, और उसको हो सकता है उसके प्रश्न से जुड़ा प्रश्न आपका तैयार हो जाए। उसके अलावा इतना करने के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ें तो तैयारी कर ले, जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं, जिनकी अभी तक तैयारी नहीं हो पाई, जो अपने आप को जांचना चाहते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ ले, तो उसके लिए आप चाहे तो नोट्स पढ़ सकते हैं। अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि कम समय में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि थियरी भी जरूरत पड़ती है कुछ टॉपिक को पढ़ने और समझने के लिए। तो नोट्स क्या होता है, हम उन्हीं टॉपिकों को रखते हैं जो हमारे लिए और आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स, चाहे वो जीएस जीके के हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपको प्रभावशाली होगा पढ़ना, जो आपको पड़ेगा वो जीके जीएस पढ़ना होगा, और जीएस जीके की ई लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स पूरी उपलब्ध है, सभी नोट्स उपलब्ध है। आप चाहे तो घर बैठे पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं, जी हाँ, पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आज ही आप सभी लोग
ई लर्निंग विद दुर्गेश के एक ऑफिस का नंबर इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कर आप अपनी जानकारी ले सकते हैं, सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं। उसके अलावा ये निःशुल्क भी आपको उपलब्ध है, आप चाहें तो डाउनलोड कर, जितनी भी डेली की डेली क्लास मेरी होती है उन सभी की पीडीएफ यहाँ पर अपलोड हो जाती है। उसके लिए आप सभी लोग जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी आज ही टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करें, जो अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ेंगे। जैसे ही टेलीग्राम पर जाएंगे आपको सभी क्लास की लिंक मिल जाएगी और नोट्स की डेली क्लास की जो पीडीएफ होती है वो यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं संपूर्ण पीडीएफ आपको मिल जाए तो यहाँ पर ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आज ही आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, नोट से संबंधित सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा हम क्योंकि जीएसजी के में यूपी स्पेशल भी है, यहाँ पे करंट भी है, तो करंट आप मार्केट में बहुत सारी किताबें आ गई उनके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, उनसे आप तैयार कर सकते हैं अपना। और साथ ही साथ आप इतिहास है, भूगोल है, संविधान, इतिहास भी तीन है, भूगोल भी तीन है, तो इलर्निंग विद दुर्गेश के सिलेक्टेड पॉइंट के नोट्स, मतलब जिसमें वही वही टॉपिक रखे गए जहां सबके परीक्षा में सवाल आते हैं, उनको पूरा तैयार कर लीजिएगा। सभी विषय की नोट्स मिल जाएगी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि पढ़ना आपको है, बिना पढ़े आपको नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन इस बेरोजगारी के दंश में हर आदमी चाहता है सिलेक्शन लेना, हर आदमी चाहता है उसको सिलेक्शन मिल जाए, तो सिलेक्शन मिलने के लिए आप लोग से मैं फिर कहूंगा कि आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से सभी लोग जुड़े रहिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सभी क्लास की नोटिफिकेशन और लिंक आपको मिलती रहे तो एक बीएसएनएल का नंबर 94-51-062-078 इस नंबर पर अपना नाम और जिला लिख के भेजेंगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास और नोट्स की जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके माध्यम से आप क्लास और नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपकी कुछ निःशुल्क क्लासेस चलती है शाम के 7 बजे, अगर 7 PM की बात की जाए तो 7 PM पर आपकी थियरी की क्लास चलती है। डेली 9 PM की अगर हम बात करें तो ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जीएस जीके की क्लास चलती है, जीएस और जीके की क्लास चलती है जिसमें यूपी स्पेशल, इतिहास, भूगोल, संविधान सारे प्रश्नों की सीरीज होती है। 10 बजे यूपी स्पेशल चलता है स्टडी विद दुर्गेश पर, एक यूट्यूब चैनल है स्टडी विद दुर्गेश सर, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। उस पर प्रतिदिन सुबह 10 बजे यूपी स्पेशल चल रहा है, 30 दिन में 30 वीडियो लेक्चर की सीरीज है। जी हाँ, 30 दिन में संपूर्ण यूपी स्पेशल आप वहां से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। तो आज ही अगर आपने अभी तक यूपी स्पेशल तैयार नहीं किया है तो इस वीडियो को देखकर आप पूरा यूपी स्पेशल आप तैयार कर सकते हैं। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए वो सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको तैयारी लग रहा है कि नहीं, हमने पूरा पढ़ा है और हमें रिविजन की जरूरत है, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो वो लोग मेरा है कि मेरा सुझाव है कि आप नोट्स पढ़ सकते हैं, चाहे लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स हो, चाहे आपके खुद के नोट्स हो, किसी के भी नोट्स हो, लेकिन नोट्स आपको कम समय में रिवीजन करने का मौका देते हैं। इन 40 दिनों में नोट्स आपके लिए रामबाण होंगे। मेरी क्लासें निःशुल्क देशित में राशि आपके लिए मिलती रहती हैं। आप चाहें ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स के लिए आज ही कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश को, वहां मेरी प्रतिदिन क्लास की जो नोट्स होती है, जो पीडीएफ होता है, वहां पे इमेज पूरी क्लास की मिल जाती है और टेलीग्राम पर नोट्स के माध्यम मिल जाता है। और आप चाहते हैं पूरी नोट्स एक ही जगह आपको मिल जाए तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। जैसे ही आप प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप डाउनलोड करेंगे आपको सभी चीजें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मिल जाएंगी। फिर भी आपके पास कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं आपका कोई सवाल हो, और चाहे तो अगर कोई व्यक्तिगत सवाल हो इलर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहते किसी विशेष टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर आए, UP SSC कुछ अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझ में आ रहा हो, जिस पर वीडियो बनाना जरूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपके तैयारी में कोई भी कमी ना रह जाए। क्योंकि अब की बार एक सेट हमारे का सपना पूरा करना है कि इनमें उन्हीं को मौका मिलेगा जिन्होंने वीडियो 2018 में आवेदन किया था, वही UP SSC की वीडियो एग्जाम में हिस्सा ले सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपको, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश ये कहिए कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग का सोच ही होना चाहिए कि आप सबसे ज्यादा फोकस किस पे करें, आप रिविजन पर करें। तो रिविजन पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप सिलेक्शन के काफी करीब पहुंचे, क्योंकि समय कम है, पढ़ने को एक विषय भी 40 दिन में खत्म नहीं हो पाएगा अगर पढ़ना कोई चाहे, और इनमें सारे विषयों को पढ़ना है, नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर कोई प्रश्न हमारे आपकी नजर के सामने से गुजरा है भविष्य में कभी गलती नहीं होगी। इसलिए हम आपसे फिर से कहेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जाइए, UP SSC के खासकर वीडियो रिग जम के स्पेशल नोट्स बने हैं वो आपको मिल जाएंगे और उससे अपनी तैयारी को और बड़ा और बेहतर कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। कोई प्रश्न, कोई सवाल हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, कोई आपका सुझाव हो तो भी कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का और आपके सुझाव का इंतजार करते हैं। और मुझे जब भी मौका मिलता है हम आपके लिए निःशुल्क सेशन, निःशुल्क क्लास लेकर आते रहते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।